राजकीय निमंत्रण दिया गया, ऐसा शहबाज बोला है, मेरा शहबाज बोला है, जिन्हें बुला लिया गया, राष्ट्रपति को बुला दिया गया, इतनी इज्जत एक आतंकी की। खैर आतंकिस्तान है तो आतंकियों को तो इज्जत देगा ही। पाकिस्तान के कई शहरों में जनसभा का कार्यक्रम, आतंकिस्तान। व्हाट्सअप एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू रिएक्शन वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है जाकिर नाइक, जो पाकिस्तान में आ चुके हैं। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इसकी, और हमने इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखना है कि वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। और उसके साथ ही मैं हूँ आपके साथ मारिया, और आप हैं उस्मान। अपना और इसको मैंने हाई इसलिए बोला क्योंकि ये बोलती है सब्सक्राइब कर दो, ये बोलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि वीडियो पूरी देखें, और पूरी देखें ना देखें सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। और मैं चश्मा लगा रहा हूँ तब तक, ताकि हम अच्छे से वीडियो हम भी देख सकें। तो आप और अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि हमें कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, तो हम डिले किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करेंगे आज हम। पहुंच चुके हैं ते इंडियन मीडिया का रिएक्शन, जो कि ऑब्वियस होना ही सी, वो भी आ चुके हैं। सो इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग जाकिर नायक भगौड़े ने, भगौड़ा है एक, ठीक है, चाम रिएक्शन वीडियो भी रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केसेस है भगौड़ा, और कोई भी प्रूफ नहीं होया, कोई भी यानी कि साबित नहीं होया, इल्जाम लगे हुए हैं। तो जिन्ना चिर मेरे ख्याल इल्जाम लग्या हुए, तुसी किसे नु भी कोई टैग नहीं दे सकते, ठीक है, कि ये गिल्टी है या नहीं। हां टेररिस्ट बनाया, किसानां नूं भी टेररिस्ट बनाता सी जदों धरना लगा सी। हां वो किसान बेचारे राइट मांगने गए तो उन्होंने कहा जी वो आ गए हैं, सामने काफी टेररिस्ट आ गए हैं, बड़ी गल आ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं कि की reaction Indian media da video start karne lage guys। Controversial radical preacher Zakir Naik was arrived in Islamabad on the invitation of the government of Pakistan, in fact he was even welcomed controversial by preacher from the Ministry of Religious Affairs, so that's the news how Zakir Naik has arrived in Islamabad। He is there on an invite from the government officials of Pakistan। His tour includes stops in Lahore, Karachi, which concludes in Islamabad on the 20th. Now, just to tell you a little bit more about Zakir Naik, well, Zakir Naik has been on the run. And the big question is whether he's going to be extradited to India, but presently he's in Pakistan. He is there in Pakistan on the invite of the Pakistani government. And those are the visuals of Zakir Naik, who has been accused of promoting religious hate. Yeah, ji, haan, state guest. Bharat ke bhagode, Zakir Naik ka ye Pakistan daura hai. Bhagode. Sarkar ke rajkiya nimantran par daura, उनका बुलाया गया है, राजकीय निमंत्रण दिया गया, ऐसा शहबाज बोला है, मेरा शहबाज बोला है, जिन्हें बुला लिया गया, राष्ट्रपति को बुला दिया गया, इतनी इज्जत एक आतंकी की। खैर आतंकिस्तान है तो आतंकियों को तो इज्जत देगा ही। पाकिस्तान के कई शहरों में जनसभा का कार्यक्रम, आतंकिस्तान, दैट्स वेरी बैड, सीरियसली वेरी बैड, कि तुसी पूरी कंट्री नू आतंकिस्तान कहता, मतलब कि पाकिस्तान नू टेररिस्ट कहता इन्होंने फिर, ठीक है, दैट्स वेरी रोंग। एज अ इंडियन मैं इस चीज़ की निखेधी करदा, तो मेरे ख्याल मेरे जिन्हें भी व्यूवर्स है, चाहे वह इंडियनज ने काफ़ी सारे, तो वह भी इस चीज़ के खिलाफ होंगे कि तुम इदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूजी गल, हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए किसी को, मतलब किसी भी टैग नहीं दे सकते, जिन्ना बॉम्ब पहन के थोड़ी बैठे हैं, बोलना हो, मतलब शर्ट है ये। एंड तीजी गल, बॉम्ब क्या हम खुद ही फट जाएंगे, जे बड़ा खतरनाक टेररिस्ट है वो बंदा, तो इंडिया इज द वेरी पावरफुल कंट्री, ठीक है, इंडियन दी, इंडिया सीक्रेट एजेंसीज इंडिया दियाँ बहुत पावरफुल है, मैं मानता है, आई प्राउड टू बी इंडियन, ठीक है, तो मैं मानता कि इंडिया इन्ना कैपेबल है कि जेकर कोई टेररिस्ट है ना इदा का, चाहे वो जेडे मर्जी देश में लुकिया बैठा है, तो वीडियो भी नहीं आ रही आदि, फिर भी उन्होंने उतो फड़ के चक के ना, तो इंडिया ले आके जेल च बंद कर लेंगे। मैं मानता है कि इन्नी कैपेबल है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी इन्नी कैपेबल है, पर जो तुम सारा कुछ तेरे सामने है, वीडियोज भी बन रही, थोड़ा भी पता भी है भी बंदा मलेशिया इन्ने साल तो रह रहा है, थोड़ा तो पता भी वो पाकिस्तान आया, तो जो तो पकड़ लो जाके है, तो हूं तक तो फड़िया जाना चाहिए सी, तो फिर मीडिया के रौला पाने वाली कि गल है यार, बिल्कुल सीधा, मतलब एक एक जरा जे बंद भी थोड़ी भी कॉमन सेंस है ना, वो यूज करेगा उन्होंने, तो समझूगा इस चीज़ को, बोल 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 कर आग लगाने का काम जाकिर नाइक करेगा, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, अलग जाकिर नाइक के साथ बेटा आग सुलगाना, ट्रेनिंग दे रहे
बेटे को भी कि कैसे आतंक को और आग यहाँ पर भड़कानी है। और चलिए आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्वागत पाकिस्तान कर रहा है। जी हाँ, आतंकी का स्वागत, ऐसा स्वागत आपने देखा नहीं होगा। पाकिस्तान को खाने पीने के लाले पड़े हुए और आतंकियों का स्वागत करने के लिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं। स्वागत देखते हैं, पैसे कैसे खर्चे किए जा रहे हैं। इंडिया की न्यूज चलाने का स्टाइल अजीब है। ऐसा स्टाइल है कि सिर्फ पैसे उड़ाए जा रहे हैं, खर्चे किए जा रहे हैं। खर्चा क्या हुआ है, मुझे ये बताओ कि खर्चा क्या हुआ उस बेचारे के ऊपर। पहले ये बताओ, कह रही है कि इनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, और ये कौन कौन से खर्चे कर रहे हैं इनके ऊपर। मतलब एक फूलों का गुस्ता, एक गुलदस्ता है, और तीन चार बंदों ने जाकर वो बेचारा अपने बैग भी उठा के आ रहा है। जो भी है, न्यूज का स्टाइल ऐसा है कि एक बंदा टीवी देखना शुरू करे, न्यूज चैनल देखता ही रहता है, बिल्कुल भी छोड़े ही ना। इतना जैसे इंटरेस्टिंग बना के, मिर्च मसाले लगा के वैसे बताया जा रहा है। हाँ, लेट्स व्यू इट। जबकि ये भगोड़ा है, और भारत से जिसे जिसे मोस्ट वांटेड घोषित किया जाता है, ऐसा लगता है कि आतंकिस्तान उन्हें बुलाकर उनकी आवभगत करने का मौका देखता है। भले पैसे ना हो, इस पर खर्चा करने से पहले नहीं सोच रहे, मोस्ट वांटेड करने से पहले सोचते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, जहर फैलाएगा। यार एक मिनट, ये वीडियो मिलरी रोकते हैं। इतना तो माइल्ड रिएक्शन भरा है। अब हम लोग आपस में जरा बात करते हैं ऑडियंस से कि ये क्या देखा हमने, भी आपने क्या देखा आपने ये। मुझे तो अब तक उसके जो उसने अल्फाज यूज किए हैं ना, हमारे जाकिर नाइक हमारे बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, तो जो वर्डिंग वो यूज कर रही है मैडम, भगोड़ा और ये सब, हमारी इंडियन ऑडियंस है, आप खुद बताएं कि क्या ये कहना जायज है। हम तो आपके साथ दोस्ती का पैगाम यहाँ पे फैला रहे होते हैं, हम आपके कंट्री की तारीफें कर रहे होते हैं। हाँ, यू से के वी नो के वी डिजर्व दिस काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, लेकिन हमारा भी कंट्री में अगर कोई आ जाए तो ये दिखाया जा रहा है कि हम कितने मेहमान नवाज हैं। और आप उनको, अगर आपने उनको भगोड़ा भगोड़ा कह रहे हैं, तो हम तो उनको गले से ही लगा रहे हैं ना। तो और मतलब सबसे बड़ी बात ये कि आपको बता दूं कि जो मुस्लिम है ना, उन कम्युनिटी के अंदर वो ऐसे होता है कि जो मौलवी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, या जो स्कॉलर कोई भी होता है, वो ट्रैवल करते हैं कंट्री टू कंट्री। क्रिश्चियंस में भी होता है, वो भी सारे पॉप वगैरह ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब हिंदू धर्म का बेचारों का थोड़ा सा ये ज़्यादा इशू है कि वो पंडित जो है ना, वो हिंदुस्तान में ही बेचारा ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि वो इंडियो का और कोई कंट्री नहीं है, वो कहीं और जा नहीं सकता। अब जाकर ना अगर मलेशिया में था, वो पाकिस्तान में भी करता है, वो मतलब अगर वो यूएसए भी जाएगा तो उधर भी जाकर वो तकरीर करेगा। अब इंडियन पंडित कोई तकरीर करता नहीं है बाहर जाकर, असल इशू ये है, क्योंकि मतलब वो कोई इस तरह की बात वो लोग करते ही नहीं, वो सिर्फ एक मतलब अपने कंट्री के अंदर ही ना, वो एक गोल दायरा बना के उसी में खुश हैं। राइट, तो जो भी है, आप खुद कहते हैं कि जो मेहमान है वो भगवान का रूप होता है, ये तो हमने बड़ी बड़ी फिल्मों में सुना है। इंडियन तो कहते हैं भगवान ही होता है, मतलब पांव ही पकड़ लो उसके। हाँ, तो फिर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर हमारे देश में, हमारे कंट्री में हमारे कोई मेहमान आते हैं, वो भी एक स्कॉलर है, रिस्पेक्टेड होते हैं, बोलते हैं। हाँ, तो आप क्या उनको इस तरह की वर्डिंग से बुलाएंगे? और दूसरा, इस्तकबाल में उनके क्या एक बूके ही तो गया है? आपको बूके लग रहा है, पता नहीं किस तरह का इस्तकबाल किया होगा, या कोई बॉम्ब धमाके लेकर गए हैं। तो हमें ना अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए कि एक दूसरे के अंदर ये इस तरह की न्यूज जब दिखाएंगे, तो जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिनको पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती के जो पहले थे हालात जिसमें दोस्ती भी थी, उनको तो कोई आइडिया नहीं होगा, उनको तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट कंट्री लगेगा। तो आतिफ के गाने भी प्ले नहीं करेंगे। राहत के जो फिल्म, जिस फिल्म में गाना होगा, राहत को कहेंगे ये जे फिल्म नहीं देखेंगे हम, ये फिल्म तो बिल्कुल नहीं देखेगा हम। तो इसीलिए टीनेजर्स को और छोटे लोगों को, छोटे बच्चे जो हैं, उनको ऐसा पैगाम ना पहुंचाएं, उनको हमारा इतना बुरा रूप ना दिखाया जाए कि बस मैं बड़ा सैड हो गई हूँ, मैं हर वक्त इंडिया इंडिया करती रहती हूँ रोज अपनी हर वीडियो में, तो आज ये न्यूज़ में इस मैडम का न्यूज़ देख के ना मेरा दिल टूट गया है। बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिर भी, लेकिन हम लोग अगली वीडियो भी लेके आएंगे आपकी पसंद की, तो हमें बताइएगा कि अगली वीडियो कौन सी लेके आए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। दिस इज मारिया, दिस इज उस्मान, साइनिंग आउट। बाय बाय।